सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सभी किसान भाइयों की एक ही बात है, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए कि मील पर पैसा पार्टी का नहीं है, मील पर पैसा किसानों का है। जो निर्णय लेगी वो सबको मान्य होगा। अगर इन्होंने निर्णय ले लिया कि यहीं रहना तो यहीं रहेंगे, जब तक पेमेंट नहीं होगा यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कि जब तक कोल्लू के कड़ नहीं चढ़ती तो रस नहीं निकलता। सरकार पर दबाव नहीं बनावेंगे और सरकार मील वालों का नहीं बनावेगी तो आपका भला बिल्कुल नहीं होने का। चाहे यहाँ से पिछाड़ में के पिछाड़ में सो साल भी बैठ रही हो, जी पैंपलेट देने के इतने बेईमान है। स्थिति भी खराब है, जिला गन्ना अधिकारी यहाँ पर है, कोई एक उद्योग ऐसा बता दो हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जिसको कच्चा माल 2-10 साल में भारत मिलता हो। के 25 तारीख में पंचायत हुई, उससे पहले भी पंचायत हुई, पिछाड़ में दिन तक धरने भी चले। सरसादी लाल ग्रुप उस टाइम पर था तो कोई हल आज तक नहीं निकला। सभी किसान भाइयों की एक ही बात है, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई तो यही है, अब परमात्मा इन मिल वालों को अगर बुद्धि दे तो इस किसान का पेमेंट दे दे और अपनी फैक्ट्री चलावे। किसान तंग है, तंगी के कारण किसान दुखी है। बार बार के आश्वासन किसानों के भी, समन्वय समिति के भी और इन खाप चौधरे के भी कान पक गए। तारीख नहीं चलेगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा समन्वय समिति, हमारे किसान भाई और सभी खाप चौधरी निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे वो सभी को मान्य होगा। एक बात मैं और कहना चाह रहा, हमारे प्रधान जी ने कहा था अब पार्टी वालों का कोई नाम न यहां लिया जा। ठीक बात है प्रधान जी की, हम नाम लेना भी नहीं चाहते, पर पार्टी वाले भी ध्यान को रखें कि मील पर पैसा पार्टी का नहीं है, मील पर पैसा किसानों का है। पार्टी भी कोई ऐसा निर्णय किसानों के विपरीत ना ले जिससे खाप चौधरियों को भी किसानों को भी पीड़ा हो। वे अपने स्तर तक ही रहें, मील के हितेशी ना बने। अगर हितेशी बनना तो इस किसान मजदूर का बने, मील तो उनका काम चलने वाला नहीं है। सभी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, सभी पे पार्टी को चेतावनी है। कोई भी पार्टी है, अगर मैं किसानों के सच्चे हितेशी हैं तो मैं अपने वजन से, अपनी पार्टी से, अपने जिम्मेदारी से किसानों को पेमेंट करा दें, हम उनका स्वागत करेंगे। दुख है बहुत बड़ा, किसान खाप चौधरी समन्वय समिति कोई निर्णय ले और ये पार्टी से बदल कर अपना सिक्का जमाने की कोशिश करें। वो सिक्का ये किसान बिल्कुल नहीं जमा देंगे। अगर हितेशी है तो इस किसानों का हितेशी रहे और नहीं तो अपने कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है किसानों की हितेशी करने की, कोई भी है। चाहे आज मिल वाले आपके बीच में हैं, हमारे कालेंद्र मलिक जी ने भी कहा था कि इन्हें अधिकारियों को या कर्मचारियों को किसान के बीच में आने का पूरा अधिकार है, पर ये बुलाए बना, इन्हें बुला नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अगर कोई भी पंचायत, कोई भी मीटिंग, कोई भी बात होगी तो इन्हें खुद आना पड़ेगा, इन्हें बुला नहीं जाएगा।
कोई हम इन पर भीख नहीं मांग रहे, ये हमारे कर्जदार हैं। अरे कर्जदार के पास तो कर्जदार के पास देने वाला नहीं जाता, कर्जदार खुश जा जिसके पैसे हो। अरे ये बुलाए पावे इन्हें शर्म आनी चाहिए। रही बात गाड़ी गलौज की, गाड़ी गलौज की हमारी संस्कृति में कोई जगह ही नहीं है। गाड़ी गलौज एक बहुत गलत और बहुत भद्दी मिसाल है। भाई हैं पर इन्हें भी विचार करना चाहिए कि किसान के बीच में जाके किस तरह की बात करनी है, किस तरह की नहीं करनी। मैं तो इब भी कह रहा अपने मिल मालिकों से बात कर लें और बात करके भी बतावें, और नहीं तो जो भी निर्णय हो किसान ये खाप चौधरी या समन्वय समिति जो निर्णय लेगी वो सब गुमान्य होगा। अगर इन्होंने निर्णय ले लिया कि यहीं रहना तो यहीं रहेंगे, जब तक पेमिट नहीं होगा यहाँ तक बिल्कुल नहीं जाएंगे। रही बात इस पीलखंड के दड़े की, यहाँ हम 95 दिन बैठ के छक चुके। सुझाव कलेक्टर के भी बहुत भाइयों के आए, मेरा भी सुझाव है कि जब तक कोल्लू के कड़ नहीं चढ़ती तो रस नहीं निकलता। रस निकले तो पैच चढ़ाए थे निकले। अगर जब तक हम सरकार पर दबाव नहीं बनावेंगे और सरकार मिल वालों पर नहीं बनावेगी तो आपका भला बिल्कुल नहीं होने का। चाहे यहाँ से पिछाड़ में के जे पिछाड़ में सो साल भी बैठ रही हो जी पैंपली देने के इतने बेईमान है। भाई मैं तो यही कहूँ सबका विचार है, मेरे भाई और भी हैं, खाप चौधरी भी हैं और भी हैं, समन्वय समिति भी है, और किसानों के विचार आ लिए। मेरा तो विचार यू है सभी की तरफ से कि जो भी निर्णय लिया जा वो कठोर लिया जा और सभी पर लिया जा। 3 मील जिले में हैं, इस मील पर तो पुराना रह गया पर सबसे ज़्यादा है, 350 करोड़ के करीब रुपया है, थोड़ा नहीं। सबसे अहम मुद्दा श्यामली मिल का है, दोनों मिल वे भी हैं, मिल सत्र चलने को है। भाई उन्हें भी विचार करके उन किसानों को पेमेंट दे देना चाहिए। अगर वे नहीं देते और वे आनाकानी करें, जिस तरह का हादसे आज श्यामली मिल पे है कोई हादसा दोनों मिलों पर भी होगा। कोई ये ना समझे भाई आप बच जाओगे, कोई को तो नहीं बरती जाओगी बिल्कुल भी। जल्दी से जल्दी पैसा दे दो और यू श्यामली मिल का तो भी विचार करके जितने भी यहाँ अधिकारी आ रहे, अनिल त्यागी जी भी आ रहे होंगे, अगर अनिल त्यागी जी नहीं आ रहे तो ये एक बड़ा मुद्दा यू भी हमारे सामने आ गया। 25 तारीख में पंचायत हुई थी जब अनिल त्यागी जी बाहर थे, जिस दिन 24 तारीख की मीटिंग डीएम साहब ले उस दिन उपस्थित थे। क्या बात है, उनकी अकजों में किसान के बीच में नहीं आना चाहते। अगर वे हैं तो सारा स्पष्टीकरण किसान को वही आन कर दें, अन्यथा जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं ये उन तक विचार कर लें और विचार करके समस्या का समाधान करें। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे विचार बाबा जी आपके।